हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के 100 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार 400 मिलियन डॉलर और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी।